लेकिन बाकी सब तो मोस्टली फेंक ही देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ स्टोरेज करते हैं उससे मेनली? जो हमारा उसका एक रहता है प्रॉपर रेंज, जहाँ तक उसका मतलब ख़राब जितना उस पर एक्सपायरी रहता है ना, और उसके हिसाब से हम उसको डस्टबिन में डायरेक्ट डाल देते हैं। दो डस्टबिन हमारे यहाँ ये इस एरिया में, और दो अंदर है और एक बाहर है, टोटल 5 डस्टबिन। किस तरह का मतलब आपके यहाँ से किस तरह का वेस्ट निकलता है मतलब कैंटीन में से? हमारे वहाँ तो जैसे जो भी खाने पीने का जो भी चीज़ है, अगर शाम को जो भी बच जाता है तो हम उसे टोटल पॉली बैग में बांध के डस्टबिन डाल देते हैं, और सुबह न्यू फ्रेश बनता है हमारा। ज़्यादा खाएं पूरा वेस्ट ये डायरेक्ट डस्टबिन में डालते, कचरे में वो कचरे की वाले वालों का लगा। मतलब डेली का काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होता है जो बचता है, है ना? नहीं, काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, जितना मतलब एवरेज के हिसाब से जितना मतलब ऑर्डर चलते हैं ना हमारे, उसके हिसाब से बनवाते हैं, ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता हमारे। अच्छा, जो आपने फिर भी मतलब कितना आप मतलब पर डे लास्ट में जब सब पूरा कॉलेज मतलब खत्म हो जाता है तो कितना मतलब वेस्ट होता है खाना जो कि नहीं बन पाता है और जो ऐसे रखा हुआ होता है, रखा हुआ मतलब इतने लगेंगे? मतलब इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, मतलब इतने ही फिक्स है? हाँ, इतने इससे ज़्यादा जरूरत नहीं ना। हमारे यहाँ जैसे समोसे या कचौरी इतने बनते हैं, जैसे 100-150 रुपये समोसे कचौरी का एवरेज है, तो मतलब 10-15-20-25 बच भी आती है, तो शाम को हम उसको डायरेक्ट लेबर में बांट देते हैं, खिला देते हैं, और अगर उनका हो जाता है तो बाकी हम डायरेक्ट डस्टबिन में डाल के। और सफाई का क्या रहता है कैंटीन में, साफ सफाई के लिए क्या करते हैं? क्लीनिंग के लिए एक बंदा, एक अलग ही टेबल के लिए भाई, और एक वो है दो जने, वो दो भाई बर्तन मारने वाले हैं, टोटल उनका जो काम है वो करते हैं। सेफ्टी वाटर वेस्ट चीज़ भी होता है जब आप खाना बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो उसको प्रिकॉशन करने के लिए आपने क्या क्या किया? वाटर के लिए तो डायरेक्ट जितना जो बर्तन में पानी, जो बर्तन मारने के लिए पानी सफिशेंट है उतना पानी लेते हैं, उसके हिसाब से बर्तन मार लेते हैं।